भोपाल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है। भोपाल में एनएसयूआई ने एक प्रदर्शन किया था और कुछ छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। उनकी मांग थी कि कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में ये प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और ये कहा जा रहा है कि छात्र छात्राओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। ये तस्वीरें बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की हैं, जहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद पुलिस ने यहां लाठी चार्ज कर छात्रों की भीड़ को मौके से हटाया है। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ये प्रदर्शन कर रही थी, ऑनलाइन परीक्षा की मांग की जा रही थी और उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी गई विश्वविद्यालय प्रबंधन की तरफ से, पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को तितर बितर किया और इस दौरान लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। छात्र छात्राओं का कहना है कि उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। गोविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या स्थिति इस वक्त वहां बनी हुई है? देखिए, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के तमाम छात्र थे, उनके साथ बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के अन्य छात्र थे और ये तमाम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से इस मांग को लेकर कि जिस तरह से तीसरे वेव की जो खतरा बना हुआ है तो जो एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन ही किए जाएं। लेकिन जब इनका प्रदर्शन खत्म होता हुआ नहीं दिखा तो उसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया और इनमें से दर्जनों छात्रों को पुलिस अपने साथ हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले गई। और एनएसयूआई के जो छात्र नेता हैं विवेक त्रिपाठी, जिन्होंने कहा कि वो भी उन तमाम छात्र नेताओं से मिलने वहां पहुंचे हुए थे लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लाठी चार्ज की तस्वीर अब बरकतुल्ला का छात्र विरोध भी कर रहे थे। शुक्रिया गोविंद जुड़ने के लिए आपका हमारे